सर गणेश गोदियाल जी, आपका नाम जो है आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये आपके माध्यम से सूचना तमाम हमारे सम्मानित मतदाताओं तक भी जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान का, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, हमारी प्रभारी शैलजा जी और राहुल जी, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है तो निश्चित रूप में मैं अपने तन मन वचन से पार्टी को जिताने के लिए अपने जिस इलाके से मुझे टिकट मिला है गढ़वाल से, वहां से भी और पूरे प्रदेश में हम कोशिश करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कराएंगे। गणेश गोदियाल जी, कितनी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस? हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सब नकलीपना दिखाकर लोगों को ठगने का काम किया है, हम इसकी इन सब बातों को जनता के सामने बेनकाब करेंगे इनको, और बेनकाब करेंगे। और निश्चित रूप में लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं आज कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो जब ये स्थिति ये है तो निश्चित रूप में हमें जनता का प्रतिसाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। गणेश गोदियाल जी, बार बार 400 पार की बात जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है, ये तो आप पहले सुन चुके हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव में तमाम, अमित शाह जी ने कहा था ना कि चुनाव में तमाम जुमले बोले जाते हैं, ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है। जो मोदी जी की गारंटी है वो भी एक जुमला है, और यकीनन चुनाव के बाद ये कहेंगे कि वो भी एक जुमला था। तो इसी प्रकार है, ये सब ठगने की इनके चाले हैं, ठगने के मंत्र बना रखे हैं इन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया गणेश गोदियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।